स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टरटा में। दोस्तों निवेश प्लान करना लमसम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वो भी ऐसी जगह जहां पर आप निवेश करके अपने पैसे पर ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकें, क्योंकि अगर हम बैंक FD की बात करें या फिर LIC की स्कीमों की या फिर दोस्तों पोस्ट ऑफिस की, तो वहां पर आपको ब्याज दर 5 से लेकर 7% तक ही मिल जाता है। जबकि दोस्तों अगर आप अपने पैसे पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पर आप LIC के अंदर ऐसी स्कीमों में भी पैसा निवेश कर सकते हैं जहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है। आज हम आपके लिए LIC की एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको 12% तक रिटर्न मिल सकता है और यहाँ पर लॉन्ग टाइम में आप उससे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा एक ऐसे निवेश ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए जहाँ पर आप इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर को बीट कर सकें और अपने पैसे पर ज़्यादा रिटर्न हासिल करके लॉन्ग टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो जो फंड हम लेकर आए हैं LIC का, उसका एनुअल रिटर्न करीब 15 साल से 12.19% है। जबकि दोस्तों अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने 12.05%, पिछले 3 साल की बात करें तो 14.88%, पिछले 1 साल की बात करें तो 5.50%, और लास्ट 6 महीने की बात करें तब भी इस फंड ने शानदार 15.28% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है और नाम है LIC MF निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यानी दोस्तों इसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो निफ्टी इंडेक्स है उसके अंदर जो 50 शेयर्स हैं उनके अंदर ही सारा पैसा निवेश किया गया है। यही वजह है दोस्तों यहाँ पर आपको जो स्टेबल रिटर्न मिला है और रिस्क भी यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर बिल्कुल लमसम बैंक FD की तरह पैसे निवेश करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों अगर हम फंड साइज की बात करें तो 55 करोड़ 21 लाख रुपए लोगों ने इस फंड के अंदर निवेश किए हुए हैं। अगर हम रेटिंग की बात करें तो 3 है। अगर हम NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो यह है 105 रुपए यानी कि 105 रुपीज। जो भी पैसे आप निवेश करते हैं लमसम और जो भी NAV का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। मिनिमम की बात करें तो आप लमसम 5000 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी के अंदर 99.7% पैसा और कैश के अंदर 0.3% पैसा यूज़ किया गया है। अगर हम दोस्तों सेक्टर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 35% पैसा, अदर सेक्टर के अंदर 20%, एनर्जी सेक्टर के अंदर 14.9%, टेक्नोलॉजी के अंदर 14.4%, कंज्यूमर स्टेबल के अंदर 8.6%, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी 5.5% पैसा यूज़ किया गया है। टॉप होल्डिंग में वही निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स लिस्ट हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, टोटल 50 स्टॉक्स हैं उनके अंदर ही पैसा निवेश किया गया है। अगर एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करें तो ये भी कम है 0.20% का। जो भी पैसे आप निवेश करेंगे लमसम उसमें से ही ये पैसे काट कर आपको करंट NAV के हिसाब से यूनिट लॉट की जाती है। अगर हम एग्जिट लॉट की बात करें तो ये 0.25% है अगर आप 7 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तब, लेकिन अगर आप 7 दिन के बाद पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर कोई भी एग्जिट लॉट आपको देना नहीं होता है। दोस्तों अगर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 15% का टैक्स देना होता है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर आपको LTCG चार्ज देना होता है 10%, अगर आपका रिटर्न 1 लाख रुपए से ज़्यादा है 1 फाइनेंशियल ईयर में तब। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं जयप्रकाश 2021 से। बात करें LIC MF म्यूचुअल फंड हाउस की तो दोस्तों रैंक इंडिया में 20 नंबर पर आती है। कंपनी का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 17,913 करोड़ रुपए है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टार्ट की तो 1994 में LIC म्यूचुअल फंड हाउस से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों LIC के इस फंड के अंदर अगर आप एक बार लमसम 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं और यहाँ पर रिटर्न आपको मिलता है 12% पर एनम, जैसे कि अब तक का इसका रिटर्न है। इस पैसे को यहाँ पर इस फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं दोस्तों 5 साल के लिए तो 12% रिटर्न के हिसाब से 5 लाख रुपए पर आपको 3,81,171 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। यानी आपके 5 लाख रुपए बढ़कर 5 साल में 8,81,171 रुपए हो जाएंगे। जबकि दोस्तों अगर इस पैसे को आप 10 साल तक निवेश करके रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 10,52,924 रुपए का। यानी 10 साल में आपके पास होंगे 15,52,924 रुपए। अगर हम दोस्तों 15 साल की बात करें तो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 22,36,783 रुपए का। 5 लाख रुपए आपके मिलाकर आपको 15 साल में मिलेंगे 27,36,783 रुपए। इसी तरह दोस्तों अगर आप यहां पर 20 साल तक इस 5 लाख रुपए को निवेश करके रखते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 43,23,147 रुपए का। यानी आपके 5 लाख रुपए मिलाकर आपको 20 साल में मिलेंगे 48,23,147 रुपए। अगर आप दोस्तों इस फंड को 25 साल तक निवेश करके रखते हैं 5 लाख रुपए
तो यहाँ पर आपको 80,32,000 का रिटर्न मिल जाएगा, यानी टोटल आपके पास 85,32,000 होंगे 25 साल में। इसी तरह अगर 30 साल की बात की जाए तो यहाँ पर 5,00,000 रुपए पर आपको रिटर्न 1,44,79,961 रुपए का मिलेगा, यानी 30 साल के बाद आपके पास होंगे 1,49,79,961 रुपए। दोस्तों LIC का ये फंड उन लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा जो एक बार पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और वो रिस्क भी कम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर वो अगर LIC के साथ निवेश करते हैं तो यहाँ पर कम रिस्क के साथ 12% रिटर्न में भी अपने पैसे को काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका होता है तो वो हमें ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।